आमिर, अमन, श्रेया, आकाश, पूनम, जबी, आरुषि, अभिमन्यु, जयंत, निशा एंड माइकल को ऐसा लगता है कि उसको इम्यून नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ हर एक्ट, बिकॉज ऑफ हर इंटेंशन ऑफ द एक्ट. अभी भी किन किन को किनने हाथ नहीं खड़े किए? संजय आपको ऐसा नहीं लगता है? अपूर्व आपको ऐसा नहीं लगता है? विपिन आपको ऐसा नहीं लगता है? ओके, मेजॉरिटी थिंक्स बिकॉज इट्स एन एक्ट. प्रतिभा प्लीज गो एंड स्टैंड विद द नॉन इम्यून पीपल. नाउ आरुषि, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज से. सर, उसको नॉन इम्यून कर दिया है, बट अब इस चीज पे डिसाइड होगा कि उसके को वोट कौन करता है नहीं करता. आरुषि, डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, वो तो आपके ऊपर है. आई विल जस्ट लीव इट टू यू गाइस, यू गाइस डिसाइड. आई थिंक जिसने, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन. आई थिंक इट विल बी फॉर द बेस्ट एंड आई होप जस्टिस हैपेंस. दैट्स इट. आरुषि, तुमने अपने लिए भी स्टैंड लिया है, हम सब लड़कियों के लिए भी लिया है, सब रोडीज को भी पता है कौन सही है कौन गलत है. आज भी अगर आप लोग इन्हीं का सपोर्ट करते हो ना, तो फिर अच्छा रहने तो एक चीज स्टार्ट हुई है और एक चीज की वजह से अगर आप लोग सोचते हो कि आरुषि आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्त है तो ठीक है, उसको बचाओ बचाओ, अच्छी बात है. नॉट अबाउट दोस्ती और दुश्मनी. नहीं, वो एक जो कल चीज हुई है डॉक्टर साहब, वो गलत हुई है. कल एक जो चीज हुई है उसके गलत हुई है सारी चीजें, और वोट आउट्स नहीं डिसाइड होंगे. आपने गुस्सा निकाला है, थप्पड़ मार सकती है. मैं माफी मांगी थी आपसे, आप जेन्युइनली जेन्युइनली मैंने आपसे माफी मांगी थी. लेट्स काम डाउन. और उसके उसके बेसिस पे नहीं होंगे वोट आउट्स. लेट्स काम डाउन. आई एम ऑनेस्टली आस्किंग यू दिस. Are you genuinely apologetic towards what Bilkul, you did? बिल्कुल, genuinely. ये चीज़ अगर इतना genuine था, मैं आज सुबह भी आपके रूम में आई हूँ, आपने मुझसे तब बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी? आप अभिमन्यु से पूछ लीजिए, आकाश से पूछ लीजिए. मुझे उनसे नहीं पूछना. मैंने डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे आके बोलने वाली हूँ. आकाश, प्रतिभा, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे आके बोलने ही वाली हूँ. यहाँ पे क्यों? प्रतिभा, हम ह्यूमंस है ना, वी बोथ ह्यूमंस. इतना अभी कम से कम, आई थिंक इट्स बीन 24 आवर्स. आप विदाउट नो रीजन आप मुझे पसंद नहीं करते हो. नो रीजन आप मुझे पसंद नहीं करते. वो बात ही नहीं हो रही प्रतिभा, इट्स जस्ट अपोलॉजी. आप क्या फील कर रहे हो? इट्स जस्ट जेन्युइन अपोलॉजी. मैं तो पहले ऐसा कोई हमारा था ही नहीं लड़ाई का सीन. अभी मुझे यहाँ पे जब जर्नी नहीं स्टार्ट हुई तब मुझे पता चला कि आरुषि मुझे पसंद नहीं करती. सबके सामने माफी मांगने ही वाली. सबके सामने क्यों? पर्सनली भी तो हो सकती थी कि नहीं. अलग से होना या सामने होना, बात तो वही है ना. नहीं, बात तो सेम है ना. अलग कहाँ से है? दिस इज नॉट जेन्युइन प्रतिभा, आई डोंट एक्सेप्ट दिस.